आज मैं बनाने जा रही हूँ वर्मिसली, जिसको हिंदी में बोलते हैं सिवैया। इसको लोग नाश्ते में ज़्यादा पसंद करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम वर्मिसली ली है, 2 कटी मिर्च, 1 कटा प्याज, 8 से 10 करी पत्ता, 3 से 4 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टमाटो कटा हुआ, बारीक कटा हुआ धनिया और ग्राउंड नट्स, 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड यानी जीरा, 2 कैरेट कटी हुई, 8 से 10 कटी हुई बीन्स, नमक टेस्ट के अनुसार। सबसे पहले मैंने एक भगोने में पानी गर्म किया है, उसमें मैं वर्मीसिली को डालूंगी। इसको 2 से 3 मिनट के लिए से उबालना है। इसको उबालते समय इसमें हम 1 छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे, जिससे ये हमारी चिपकेंगी नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं अब ये बॉईल हो गई है। अब इसको हम पलट लेंगे, इसका पानी अलग कर देंगे। पानी से धुल लेंगे। सबसे पहले पैन में हम 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। गरम तेल में हम ग्राउंड नट डालेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं अब ये हमारे भुन रहे हैं। इसका कलर हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। सबसे पहले जीरा डालेंगे। कड़ी पत्ता डालेंगे। इसको हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब ये हमारा हल्का ब्राउन हो गया है। इसके बाद इसमें हम बीन डालेंगे। कैरेट डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको 5 मिनट तक गैस पे फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इसको हमें धीमी फ्लेम पर पकाना है। इसको हम चेक करेंगे। अब देख रहे हैं ये हमारे पक गई है। बीन्स और कैरेट दोनों पक गई हैं। अब इसमें हम टमाटर को डालेंगे। अब 2 मिनट पकाएंगे। अब इसमें हम वर्मीसिली को डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पीनट्स डालेंगे। कटा हुआ धनिया डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब हमारी वर्मीसिली तैयार है। इसको हम एक बाउल में पलट लेंगे।
अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।